आज यहाँ से हम लोगों को जाने का रेडी हो चुके हैं जाने के लिए, और गाय से जाने का मन ही नहीं है क्योंकि बोले बात भोलेनाथ से इतना लगा हो गया, यहाँ से छोड़ के जाने का मन ही नहीं कर रहा। तो यहाँ से जाना तो पड़ेगा ही क्योंकि हम लोगों को और एक धाम करना बाकी है बद्रीनाथ। और गाइस आज से हमारा बद्रीनाथ राइड स्टार्ट होगा, यहाँ से ट्रैकिंग हम लोगों का हो जाएगा आज। तो हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि गाइस उस दिन तो हम लोगों का हालत ख़राब हो गया था, और आज से ना ऐसा ना हो भगवान से ही दुआ करेंगे। तो यार फटाफट से यहाँ से निकलते हैं, और ये अपना भाई तो देखो पैकिंग कर रहे हैं, अपना तो हो चुका है, तो फटाफट से पैकिंग करके यहाँ से निकलते हैं। सामान वामान सब कुछ पैकिंग हो गया ये देख सकते हैं, और थोड़ा बहुत बाकी है वो भी हम लोग पैकिंग कर लेंगे फटाफट से। तो यार अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, बोले बाबा के दर्शन भी कर दिया अभी, और गाइस सामान देख रहे कितना, ये हाथ पे भी है, यहाँ पर भी है, और गाइस ये देखिए, और कल जो हम लोगों को आसाम का दुपहिया मिला था उनके साथ भी हम लोग जा रहे हैं, और मंदिर में देख सकते हैं कितना भीड़ है। ओ भाई हालत आज भी हम लोगों का हालत ख़राब होने को है गाइस। तो गाइस जाते जाते आप लोगों को मंदिर फिर से आप लोगों को दिखा के जाते हैं गाइस। ये बर्फीले पहाड़े गाइस इतना मस्त लग रहा है, और ये मंदिर है। फाइनली गाइस हम लोग वहाँ से निकल गए, अभी हम लोग ट्रैकिंग करने वाले हैं। 16 या 22 किलोमीटर हमारा साइकिल भी आगे पे बैठा हुआ है, हम लोग साइकिल भी लेने पड़ेगा, और आज मेरा गाइस हम लोग वहाँ से निकल के 4-5 किलोमीटर आ चुके हैं, और यहाँ से गोरीकुंड और 14 सल्ला होगा। तो यहाँ पर मौसम भी बहुत ख़राब होने को है, यहाँ पर मौसम 2 मिनट में बदल जाता है, और ये रास्ते देख सकते हैं बहुत ही ख़राब रास्ता है। तो आप लोग ट्रेवल कर रहेंगे तो अपना सामान ज़्यादा नहीं लेना, जो ज़रूरत के सामान वही लेना, और बहुत सामान घोड़े में दे दिया क्योंकि गाइस सामान बहुत ज़्यादा हो गया था, और अपने आसाम को 2 भाई मिले थे उनको भी उनका भी सामान देने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, इसलिए घोड़े पे सस्ता घोड़ा देख के हम लोगों ने दे दिया सामान उमन, और थोड़ा बहुत सामान लिया देख सकते हैं। और इधर भी है स्लीपिंग बैग, और जो पीछे टांगने वाला बैग वही दो लिया है, बाकी सब हम लोगों ने दे दिया है घोड़े पे, और पूरा घोड़े कोटो पहुँचा देगा। और हम लोगों का 5 बैग 5 बैग 2000 लिया, 4 जगह 5 जन है, 400 रुपये में 400 रुपये पड़ जाएगा। हम लोग तो अभी शॉर्टकट मार रहे हैं क्योंकि गाइस यहाँ का मौसम बहुत ही ख़राब होने को है, बारिश भी आ सकता है, और रूप को तो आगे भेज दिया घोड़े के साथ क्योंकि गाइस हम लोग जहाँ साइकिल लेके तो वहाँ पर भी तो बहुत सारा सामान था, वो सामान भी घोड़े पे लोड करना पड़ा। और गाइस हम लोग वहाँ पे अपना सामान थोड़ा बहुत सामान घोड़े पे लाया, और उसके बाद हम लोगों ने अपना साइकिल वोड़े पर ला के फिर हम लोग 4:30 बजे हम लोग पहुँच गए गोरीकुंड, और गोरीकुंड में हम लोगों ने नदी के पास टेंट लगा रुके रुके। और गाइस इस वीडियो को ही करके तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और गाइस आज का कोई वीडियो ब्लॉग भी नहीं बना क्योंकि गाइस थोड़ा बहुत ही वीडियो शूट कर पाया, क्योंकि गाइस आज इतना बारिश था और रास्ता भी इतना ख़राब था, बहुत कीचड़ कीचड़ हो रहा था, इसलिए ज़्यादा भी शूट भी नहीं लिया गया, कीचड़ हुआ था इसलिए हम लोग मोबाइल ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाए। और गाइस वीडियो पब्लिक करने भी बहुत लेट हो गया क्योंकि अब नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो गाइस मैं थोड़ा बहुत सिनेमेटिक लिया था, वो भी आप लोग देख लेना। तो इस वीडियो के पेड़ कटे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में गाइस।